हेलो, वेलकम टू ओपेरा इंटरनेशनल स्कूल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो आज आप स्टैंडर्ड वन में विषय अंग्रेजी अभ्यास करूँ। तो आप क्या प्रकरण अभ्यास करूँ? आज प्रकरण 17। तो आगळना वीडियो में आप प्रकरण 17 समझी चूक्या छे। तो आज आप स्वाध्याय करूँ। शू करूँ? स्वाध्याय। तो चलो आप जुए कि क्यों प्रश्न है, शू टॉपिक है। प्रश्न एक, नीचे आपेला गुजराती शब्दों अंग्रेजी उच्चार लखो। तो आप शू लखवा? अंग्रेजी उच्चार लखवा। आपने गुजराती शब्द लखेलो हे अपने खाली जगह करेली हे शू लखवा? अंग्रेजी उच्चार। तो चलो आप लखीए। तो आपने फर्स्ट शू आपेलू? सूर्यमुखी। शू लखेलू? सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी नु अंग्रेजी उच्चार शू थाय? वेरी गुड, सनफ्लावर। सूर्यमुखी एटले के सनफ्लावर, तेनो अंग्रेजी उच्चार थाय सनफ्लावर। तो आपने खाली जगह आपेली छे तो त्यां लखीशुं आपणे सनफ्लावर। बधाय लख्युं सनफ्लावर, वेरी गुड। चालो हवे नीचे आपने क्यूं फ्लावर्स आपेलू छे? बारमासी। तो बारमासी नो अंग्रेजी उच्चार शू थाय? वेरी गुड, एवरग्रीन। शू थाय? एवरग्रीन। तो बारमासी लखेलू छे त्यां बाजूमां खाली जगह करेली छे ત્યાં આપણે શું લખીશું? એવરગ્રીન। શું લખીશું? એવરગ્રીન। તો બધાય એવરગ્રીન લખવાનું છે। ચાલો હવે નીચે આપણને કયો ફ્લાવર્સ આપેલું છે? ગુલાબ। શું લખેલું છે? ગુલાબ લખેલું છે। તો હવે ખાલી જગ્યા કરેલી છે ત્યાં આપણે શું લખીશું? કયો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખીશું? શું થાય ગુલાબનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર? રોઝ। શું થાય? રોઝ। તો લખીશું રોઝ। ચાલો હવે બાજુમાં આપણને શું દેખાય છે? કમળ। કમળ લખેલું છે। તો કમળનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થાય? વેરી ગુડ, લોટસ। તો કમળ લખેલું છે ત્યાં બાજુમાં ખાલી જગ્યા છે ત્યાં લખીશું લોટસ। ચાલો નીચે આપણને શું આપેલું છે? પોયણું। તો પોયણું છે તો તેનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થાય? લીલી। તો બાજુમાં લખીશું લીલી। શું લખીશું? લીલી। હવે નીચે આપણને શું આપેલું છે? करेण। तो करेण छे तो तेनो अंग्रेजी उच्चार शू थाय? वेरी गुड, पिंक रोज। शू थाय? पिंक रोज। तो आपणे खाली जगह आपेली छे त्यां लखीशू पिंक रोज। चालो हवे बधाने समझ पड़ी गई, आपणे गुजराती शब्द लखेलो हशे अने बाजूमां खाली जगह हशे त्यां आपणे ते गुजराती शब्दनो अंग्रेजी उच्चार लखवानो छे। तो बधाने आवडी जशे ने।